खबर संबल से सामने आ रही है, जहां बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में चंदौसी में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में काफी लोगों की भीड़ देखी गई। ये सम्मेलन संबल बाईपास तिराहा चंदौसी मौलागढ़ में किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेता शमसुद्दीन राइन और वरिष्ठ नेता गिरीश चंद, सांसद नगीना के साथ साथ कई लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर कई वक्ताओं ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ की जनता का भैया आईडी कर लो, अपने दिल की गहराई से बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मेरी राजनीतिक शुरुआत में यहाँ की जनता ने मेरा सहयोग किया और जिस भरोसे उम्मीद के साथ मेरा सहयोग किया, मैंने खरा उतरने का पूरा प्रयास किया। मैं पहले तो आदरणीय बहन जी का और अपने सीनियर लीडरान का आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पे भरोसा किया है और जिस उम्मीद के साथ यहाँ भेजा, मैं पूरी मेहनत करूँगा और यहाँ के जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के जितने समर्थक थे आज यहाँ सब पहुँचे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज के इस पहले कार्यक्रम में मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया है और आज ये सबको देखने को मिला कि कोने कोने से विधानसभा चंदौसी के कोई गांव ऐसा नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ से यहाँ का प्रतिनिधित्व आकर लोगों ने नहीं किया। अब किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? जनता के मुद्दे, तमाम मुद्दे हैं आज की सरकारों को देखते हुए, जो सरकारों के काम होते हैं वो मुद्दे हमारे रहेंगे। सुरक्षा का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, विकास का मुद्दा, समग्र विकास का, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क पानी। उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा का गुंडा राज देख लिया, भाजपा की सरकार देगी ना माँ बहन सुरक्षित रही। आपको मालूम है भाजपा की सरकार में उन्नाव कांड कितना बड़ा कांड हुआ, उसके बाद हाथरस कांड तो इतना बड़ा हुआ कि किसी हर माँ बाप की इच्छा होती है कि जब हमारी औलाद के साथ कोई घटना हो तो हमें जलाने या हमें उसको हाथ लगाने का मौका मिले। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार को मिट्टी भी उसके माँ बाप के हाथ में नहीं दी, उनको प्रशासन ने जलाने काम किया, ऐसा शासन कर रहा है। लेकिन जिस तरह से बहन जी के बयान आते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हमें बीजेपी का समर्थन करना पड़ा तो फिर क्या गलत? आपने ये नहीं, नहीं वो कहती है कि हम आप मैं आपको बता रहा हूँ उनने क्या किया। आपके पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है। बहन जी ने कहा जब समाजवादी पार्टी ने 2003 में हमारे 44 MLA तोड़े थे, उसके बाद भी हमने और बहन जी के ऊपर 1995 में 3 जून 1995 में समाजवादी पार्टी ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए 2019 में बहन जी ने गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद फिर बहन जी के आस्तीन के सांप कहते हैं जिसको 7 MLA अभी तोड़ने का काम किया जब राज्यसभा का चुनाव था। तो बहन जी ने कहा ऐसे लोगों के साथ क्या देना है और स्पष्ट कहा कि किसी तरीके से अगर कहीं ऐसी बात आती है हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कोई भी हमारा दुश्मन क्यों नहीं हो हम उसका भी साथ देंगे। संबल चंदौसी से विजय कुमार सागर की रिपोर्ट।